अठारहवें लोकसभा चुनाव अपने ग्रैंड फिनाले के करीब हैं और 18 का वोट में हम युवाओं से बात करते हैं और आज इसी सेगमेंट में हमने सोचा कि एक रैपअप जो है वो कर लेते हैं दिल्ली के ग्रेटर कैलाश टू में बीन एंड द बेयर कैफ़े में इस वक्त हम हैं और ऑफ कोर्स कॉफ़ी पर चर्चा हो रही है मैं आपसे हाईलाइट जानना चाहता हूँ इस इलेक्शन की आपके लिए क्या रही कि आप ट्वेंटी ट्वेंटी को किस याद के साथ याद रखेंगे बिल्कुल तो मेरा होगा तरीके से पार्टीज टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है सोशल मीडिया की जब मीम्स really? से लड़ाई हो रही है <laughs> अंधो में काना राजा मेरा होगा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थे और वोटिंग बहुत प्रोडिक्टेबल थी पॉलिटिकल कोई कोई नारा जो आपके मन में रहा कुछ

किसकी आपको लगा बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी बीजेपी की सबसे ज्यादा स्मार्ट है बिकॉज इवन हम uh, आगे भी देखने वाले हैं रिजल्ट के टाइम पे दे आर क्लियरिंग दैट 272। बीजेपी ने जो नारा दिया बार सौ पार उस पर कांग्रेस को इतना ध्यान नहीं देना चाहिए था कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन सुप्रिया श्रीन जी हर जगह जा जाकर हर न्यूज चैनल पर चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि हम अपनी बार चार पार नहीं होने देंगे बट आपने ये बोल बोल के इतना हाईलाइट कर दिया कि लोगों के दिमाग में बैठ गया कि हाँ बीजेपी का चार पार होने वाला है तो कांग्रेस को वोट देकर क्या फायदा चलो एक वोट हमारा बीजेपी को जा ही रहा है क्योंकि बीजेपी में फला चीज़ें बेटर हैं तो हम बीजेपी को वोट दे देते हैं तो ये तो चार सौ पार की स्ट्रेटेजी थी उसको कांग्रेस ने ही खुद अपने आप अपने ऊपर एक अपने पैर पर, पर, पर कुल्हाड़ी मारने ऐसी चीज़ की कांग्रेस जो इंडिया है जो इंडिया अलायंस है वो कई जगहों पर पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रही हैं कहीं पे एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ रही हैं सो इज इट फाइन विद यू यू और थिंक इट एड्स अप टू द द इट डेफिनेटली एड्स अप टू एंड आई फील लाइक इंडिया अलायंस में उनके अपने इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट बीजेपी ने जैसे पी मोदी को हाईलाइट किया है तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है एज ए यूथ अगर मुझे दिख रहा है कि सामने एक लीडर है सो लीडर है ठीक है डिस्पाइट बींग कि हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है अपोजिशन के अंदर तो साइकोलॉजिकली यूथ को इम्पैक्ट करेगा इलेक्शन के अंदर किया भी है जिसकी वजह से यूथ ने लास्ट मूवमेंट पर जाके सोचा कि यार हमें इसको वोट कर देना चाहिए डिस्पाइट बींग की दूसरी साइड तम तो कोई नेता दिख ही नहीं रहा तो है तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उसका दिखाया है दिखेगा भी अल विद दैट वी कम टू एंड ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा लगा ये जानकर कि आप काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और इस बार आपने काफ़ी मैन्यूटली बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखा आप अपने वीडियो सजेशन हमें भेज सकते हैं एन डी टी वी डॉट कॉम स्लैश एटीन का वोट पर कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ अरुण सिंह एन डी टी वी के लिए